इष्यति तो माता का रूप धारण कर रखी है, इसलिए तो जानकी का रूप धारण कर लिया और जानकी तो मेरी मां है। और मां का रूप इसने धारण कर लिया यही तन भेंट सती करना जो मैं करूं सती सन प्रीति भ्रष्ट हो या मार्ग अनीति इसे मां का रूप धारण की है। अगर अब सती से मैं प्रेम करता हूं, बाएं अंग में अगर उसे भाग देता हूं, आशन देता हूं, तो ये धर्म के विरुद्ध। मेरे भाई बहन एक बात आप समझ लें, यहां पर सती ने भगवान भोलेनाथ से झूठ बोली कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, झूठ बोली। लेकिन भगवान शिव ने दर्शन जब किए समझ गए, और उसी समय शिव संकल्प किन्ह मन माहि, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिए अब सती से प्रेम। अतुरत भगवान शिव ने षण्मुख आसन दे दिए सती। अब सती समझ गई, जैसे ही वाम भाग का आसन षण्मुख सामने पड़ा, पहले तो स्थान वाम भाग में प्राप्त था, अब षण्मुख प्राप्त है सामने, सती समझ गई। और भगवान शिव ने ध्यान मग्न हो गए, और सती व्याकुल हो रही, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा, इधर उधर देखती है सती, बड़ी व्याकुल है। पति ने त्याग दिया, हे नारद दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, और जब नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव ने शिव को और दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो उसमें सबको निमंत्रण दिए,
लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं, नहीं, नहीं। सबको निमंत्रण, समस्त देवता को, ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर सबको निमंत्रण दिए, ऋषि मुनि सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। सती सामने बैठी है, बाबा ध्यान मग्न है, भगवान शिव ने ध्यान इसलिए लगा लिए कि अगर ध्यान में नहीं रहूंगा तो सती कोई न कोई प्रश्न करती रहेगी, तो इसलिए भगवान शिव ध्यान मग्न। ऊपर से विमानों से देव पत्नियां जा रही थी सज धज कर, सती को सामने बैठे देख करके पूछी, अरे सती क्या तुम नहीं जाएगी, तुम नहीं चल रही है क्या? क्यों, क्या बात है? अरे तुम्हें पता नहीं है? नहीं नहीं मुझे पता नहीं है। क्या हुआ? अरे तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, और तुमको पता नहीं? अब तो सती के मन में उत्कंठा जागृत हुई, बोल शंकर भगवान की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे हरिहर आश्रम से जो जिनको दिल्ली में द्वारिकाधीश कहा जाता है, आज हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए और पधारे हैं, उनके चरणों में बार बार नमन वंदन के हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पूज्य स्वामी जी पधारे। देवांगनाओं ने जब सती से कहे तो सती व्याकुल हो गई और भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु सुना है पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो
तो चले। भगवान शंकर ने कहा देवी अरे हमारे कारण तुम्हें भूल गए, दुश्मनी हमसे, क्योंकि एक बार ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा थी, उस सभा में भगवान शंकर भी विराजमान, दक्ष प्रजापति बन गया, दक्ष जब उस सभा में पधारे तो जितने भी देवता थे सब उठ करके खड़े हो गए दक्ष के आगे, और भगवान शिव तो ध्यान मग्न थे, क्योंकि वो अहर्निश भगवान के ध्यान में, अपने इष्ट के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो ध्यान मग्न थे, उन्होंने दक्षिणी देखा, सबने मुझे उठ करके प्रणाम किया, लेकिन शंकर ने नहीं किया। अरे उठ करके प्रणाम करना तो दूर के बाद, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं प्रजापति और दूसरा इसका ससुर भी हूं, एक प्रजापति दूसरा इसका ससुर, अरे चलो प्रजापति के नाते इसने उठ करके हमारा स्वागत नहीं किया, हमें प्रणाम नहीं किया, तो कम से कम ससुर के नाते तो कर लेता, लेकिन वो भी नहीं। दक्ष भगवान शिव को बहुत कुछ, भांग पीता है, धतूरा खाता है, नशे में रहता है, किसका सम्मान करना चाहिए किसका सम्मान नहीं करना चाहिए ये कुछ जानता नहीं, और अपने आप को ज्ञानी समझता है, अरे शमशान की चिता का भस्म लगाता है, बागंबर पहनता है, बहुत कुछ कहा दक्ष, लेकिन भगवान शिव शांत, एक बार भी बोले, यहां तक कि भगवान शिव उस सभा से उठ करके कैलाश चले। जब कैलाश आ गए और इसी के कारण दक्ष ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, और उस यज्ञ में इसी कारण से द्वेष के कारण भगवान शिव को नहीं बुलाया, सबको बुलाया नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव को। लेकिन मेरे भाई बहन, महादेव तो महादेव, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे इनको कोई स्तुति करे
तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और कोई निंदा करे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भगवान शिव कहते हैं, देवी इसी द्वेष के कारण तुम्हारे पिता दक्ष ने निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, नहीं भेजे तो नहीं भेजे। वैसे भी शास्त्र कहता है पिता के घर अब गुरु के घर, और कथा में बेगर निमंत्रण के जाना चाहिए, उसमें निमंत्रण का बुलावा का प्रतीक्षा ना करे कि पिता ने हमें बुलाया नहीं, कार्ड नहीं भेजे, या गुरुजी ने कार्ड नहीं भेजे तो हम कैसे जाएंगे, या जो कथा के आयोजन करवा रहे आयोजकों ने कार्ड नहीं भेजा तो हम कैसे कथा सुनने जाएंगे। होता है, लोग कहते हैं अरे हमको तो बुलाया ही नहीं तो हम जाएंगे कैसे। लेकिन मेरे भाई बहन एक बात ध्यान देना, कथा सत्संग के लिए कभी भी ये प्रतीक्षा मत करना कि मेरे को निमंत्रण दे तब हम। कथा में बिन बुलाए भगवान शिव से जब सती ने हट की तो भगवान शिव ने कहा, चल नहीं मानती है तो जा। और सती को भगवान शिव ने अपने गणों के साथ, और भगवान शिव समाधि, सती वहां चली यज्ञ मंडप। लेकिन आप एक चीज देखिए, भागनी मिला ही बहुत मुस्काता, जो सती के बहन थी देख करके कह रही है बिन बुलाई आ गई है, पिताजी ने निमंत्रण में नहीं भेजा और चली आई, मुंह उठाई और चल दी। लेकिन केवल पिता ने बात नहीं की, बहनों ने उल्टी सीधी बातें कर रही है, केवल प्यार से सती से मिली है तो मां बस। सती ने मां से मिली और मां से मिलने के बाद सती यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ी। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण
हरि शरणम 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 हरि Good night.
स्वामी जी से प्रार्थना उनके चरणों में है कि अपनी अमृतमय वाणी से थोड़ा सा हम सबको आशीर्वाद दें। आप लोग बहुत जोर से जयकारा बोलते हो, थोड़ा सा धीरे बोला करो भाई। हरा हरा महादेव, महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त हुआ। और जहां पर महापुरुषों के संतों के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, क्योंकि संत तो स्वयं शिव स्वरूप है, और हमारे उदासीनाचार्य जी महाराज श्री चंद्र भगवान तो शिव ही का अवतार है। तो इन महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आओ कथा में प्रवेश करें। भगवती सती यज्ञ मंडप में प्रवेश की। चारों तरफ यज्ञ मंडप को देख रही है। सभी देवी देवता का भाग रखा हुआ है, क्योंकि यज्ञ हो या पूजन हो तो हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको भाग दे। लेकिन उस यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं का तो भाग है, सबको आवाहन किया गया, लेकिन भगवान शिव का कहीं स्थान नहीं। अब आप विचार करो, जिस सभा में पति का स्थान स्त्री नहीं देखेगी कि हमारे पति का स्थान कोई कि कहीं है ही नहीं, अब उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगा? भगवान शिव ने मना किए हैं, देवी मत जाओ, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं कि जाने से कल्याण नहीं है, सती के जाने से। इसीलिए भगवान शिव पहले ही मना किए थे, देवी मत जा, लेकिन सती मानी नहीं और सती गई, और अब वहां शिव के भाग को न देख पाई। सती को अत्यधिक क्षोभ हुआ, क्रोध आया। और इतना भगवती पराम्बा जगदम्बा सती को क्रोध आया कि माता जी के शरीर क्रोध से जलने लगा। और सती ने घोषणा की, देवगढ़
सावधान। आप लोगों ने इस सभा में बगैर शंकर के शिव के उपस्थित होकर के आप लोगों ने शिव का अपमान किया है। और इस अपमान का फल आपको भोगना पड़ेगा, यह दंड आपको प्राप्त होगा। क्योंकि शिव अनादि पुरुष है, अनंत है, और जो शिव का अपमान करे उसे दंड तो अवश्यमेव भोगना पड़ता है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। चाहे अच्छा कर्म करे वो भी भोगना पड़ता है, और बुरा कर्म करे वो भी भोगना पड़ता है। कर्म फल को तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए पहली बात तो प्रयत्न करो कि कोई बुरा कर्म हमसे न हो। और जो व्यक्ति प्रयत्न करता है तो करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर परत। प्रयत्न तो करो, जो प्रयत्नशील होता है उसका भगवान भी सहायता करता है। और तुम प्रयत्न करो ही ना, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा विचार रखो, अच्छा सोच रखो, जिसे तुम्हें फल की प्राप्ति भी अच्छी हो। आप लोगों ने अपने आंखों से भगवती सती कहती है, आप लोगों ने अपने आंखों से शिव का अपमान होते हुए देखा है, आप लोगों ने हे सभासदों ये मैं घोषणा करती हूं कि इस अपमान का दंड आप लोगों को भोगना पड़ेगा। और फिर सती ने भगवत ध्यान करते हुए और प्रार्थना की,
सती मरण हरि सन पर मांगा प्रभु अब तो मैं अपने शरीर को त्याग नहीं जा रहा क्योंकि एक वियोग सह नहीं हो रहा। एक तो वियोग पति ने त्याग दिया और दूसरा पिता के घर में भी अपमान। और तीसरी पति का अपमान। ये मुझसे सहन नहीं हो रहा इसलिए प्रभु अब मैं अपने शरीर को त्याग रही हूं और आप यही मुझे वरदान दो हर जन्म में भगवान सदाशिव ही हमें पति रूप में प्राप्त उनकी चरणों की सेवा मुझे प्राप्त। कहती हुई सती ने कुंड में छलांग लगाई यज्ञ कुंड में और हाहाकार मच गया। सती जल करके मर गई सती जल करके मर गई सती जल करके मर गई। अब जो दो गणों को भेजे थे भगवान शिव ने दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास आए। महाराज सती माता अग्नि कुंड में अपने शरीर का परित्याग कर दी। भगवान शिव ने जब ये सुने अतिशय क्रोध हो और अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी के पत्ता और वीरभद्र को प्रकट करके कहे जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां से आया और जितने भी देवता थे सबको मारने किसी के हाथ फोड़ दिया किसी के आंख फोड़ दी किसी के दांत तोड़ दिए किसी के पैर तोड़ दिए यहां तक कि दक्ष का सिर काट दिया। अब हाहाकार मच अब जजमान ही नहीं है तो यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे बनेगा क्योंकि जजमान का तो सिर काट दिया गया अब तो जजमान के सिर है नहीं तो यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होगी।
बगैर यजमानी। तब भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर के प्रार्थना की। भगवान शिव समाधिस्थ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्वयं महाकाल है, जो स्वयं रुद्र रूप है, जो स्वयं संहार का स्वामी है, लेकिन एक लीला करते हुए भगवान शिव को जब नारद जी ने कहा, महाराज आंख ही बंद करके रखोगे क्या बैठे हुए? अरे सती तो जल करके राख हो गई। तो भगवान ने नेत्र खोले और क्रोध में अग्निकुंड यज्ञ मंडप किया और अग्निदेव से कहा, अग्निदेव सती को आप वापस करो और नहीं तो आज के बाद आपका प्रज्वलित होना बंद हो जाएगा। अब अग्निदेव तो कांपने, सती तो जल गई है, अब कहां से सती को लाएं? तब अग्निदेव ने केवल हड्डी का पिंजर प्रकट किया अग्नि से सती का और उसको भगवान शिव अपने कंधे पे रख करके और भाग दे सती के वियोग। भगवान नारायण ने देखा, रे ये भगवान भोलेनाथ को क्या हो गया? ये तो अगर भगवान शंकर शांत नहीं हुए तो प्रलय हो जाएगा। इस प्रकार से मोह में अगर भगवान शिव का ये अवस्था बना रहा, लेकिन शांत कैसे होंगे? सती का जो प्रेम का वियोग है, ये शांत कैसे होगा? तो भगवान शिव ने यहां पर अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया। सुदर्शन चक्र को आवाहन करके जो भगवान शिव के कंधे पर वो हड्डी का पिंजर रखा था, सब सती का उसको खंडित किया। तो जहां जहां सती का अंग गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ बन गया। और ये शक्तिपीठ जहां हाथ गिरा, कहीं नेत्र गिरा, कहीं बाल गिरे, कहीं सिर गिरा,
कहीं दांत गिरे, कहीं चरण गिरे, कहीं गुप्त अंग गिरे माता जी का, तो जहां जहां जो अंग गिरा ओ शक्ति रूपीठ के नाम से मेरे भाई बहन प्रख्यात। ब्रह्मा जी कहते हे नारद, भगवान शिव का वो आवेश शांत हुआ, भगवान शिव पुनः जा करके और तपस्या करने लगे, लेकिन सबने कहा महाराज पहले इस यज्ञ को पूर्ण तो कीजिए, आप इस यज्ञ को तो पूर्ण कीजिए। उस यज्ञ में ऋषि दधीचि भी बैठे थे और भगवान शिव का परम भक्त वो भी बैठा था ध्रुव। दोनों परस्पर मित्र हैं, लेकिन फिर भी परस्पर आपस में। ध्रुव ने कहा तुम लोगों ने अपने आंखों से भगवान शिव का अपमान को देखा है, इसलिए तुम लोगों को मैं दंड देता हूं। एक तो पहले यज्ञ कुंड में भगवती सती का शरीर त्याग हो गया भगवान शिव क्रोध में, हे नारद देवताओं ने प्रार्थना की महाराज सबसे पहले आप यज्ञ को पूर्ण करें, हे यज्ञ पुरुष आपके बगैर ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। अब जजमान के तो धर सिर नहीं है तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। तो बकरे की बच्ची का सिर ला करके और दक्ष के सिर पर स्थापित किया गया। और फिर उस यज्ञ को पूर्ण किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, इसीलिए कहते हैं
भगवान शिव की पूजा के बाद जब तक अपने गाल को नहीं बजाओगे तब तक भगवान शिव का पूजा पूर्ण नहीं होता। अगर भगवान शिव की पूजा की पूर्णता करनी हो तो गाल को तो बजाना ही पड़ेगा। अपूर्ण रहता क्योंकि ये बकरे का सिर है ना, इसलिए आप सोच रहे हो महाराज गाल कैसे बजाए, क्योंकि मैं देख रही हूं माता जी सोच रही है कि गाल को कैसे बजाए। तो देखो गाल को ऐसे बजाई जाती है शिव शिव पूजन के पश्चात, तो इसको बजाने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और तभी भगवान शिव की पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो भगवान शिव ने उस यज्ञ को पूर्ण किए और वहां से पूर्ण करके भगवान कैलाश चले गए और कैलाश जाकर के भगवान आशुतोष ने लोहित समाधिस्थ हो गए। मेरे भाई बहन एक चीज को आप ध्यान दें, नारद जी ने पूछा पितामह अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय के घर में जन्म ली पुत्री के रूप में, कैसे जन्म ली। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमारे मन में अत्यधिक जिज्ञासा है। अत्यधिक जिज्ञासा आप कृपा करके समझाने का उत्तर देने का कृपा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, बोले मुनिश्रेष्ठ नारद उत्तर दिशा के ओर हिमालय नाम का एक विशाल पर्वत है, वो पर्वत अति तेजस्वी अति समृद्ध दो रूपों से प्रसिद्ध, एक स्थावर और दूसरा जंगम।
उस पर्वत पर रत्नों का खान था। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र से लगे हुए, जहां हिम के विशाल भंडार है, और उस हिम आच्छादित पर्वत अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। जहां ऋषि मुनि सिद्ध जहां बैठ करके और तप करके और तप करके भगवत प्राप्ति करते, सिद्धि को प्राप्ति करते, ऐसे हिमालय ऐसे हिमाचल एक बार की बात है, गिरवर हिमवान अपने कृत्य से अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म वृद्धि करने के लिए अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने का मन में निश्चय किया।